नमस्ते। आजकल वर्क फ्रॉम होम करना एक आम बात सी हो गई है। ऐसे ही पिताजी अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, तभी उनका छोटा बच्चा बार बार आकर उनसे कई सवाल करता और उन्हें परेशान कर रहा था। इसका हल निकालते हुए उन्होंने सोचा, क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वह कुछ घंटे उलझा रहे, उतने समय में मैं अपना काम निपटा लूंगा। अब की बार जब बच्चा आया तो पिताजी ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर भारत का मैप बना हुआ था। उसने किताब का वह पेज फाड़ दिया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, इस पेज पर भारत का मैप बना हुआ था और मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से भारत का मैप तैयार करना है। जाओ इसे जोड़ो और जब मैप बन जाए तब आकर मुझे दिखाना। बच्चा वो टुकड़े लेकर चला गया। इधर पिताजी ने चैन की सांस ली। अब कई घंटों तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा, वह शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा आ गया और बोला, पापा देखिए मैंने भारत का मैप बना लिया है। पिताजी ने चेक किया तो पाया कि मैप बिल्कुल सही जुड़ा था। उसने हैरत में पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? ये तो बहुत ही आसान था पापा जी, आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर भारत का मैप बना था और एक साइड पर कार्टून। मैंने कार्टून को जोड़ दिया और भारत का मैप अपने आप तैयार हो गया। पिता बस बच्चे को देखते रह गए। इस कहानी से हमें यही सीखने मिलता है कि अक्सर हम कोई बड़ी समस्या सामने आने पर उसे देख ये सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल नहीं हो सकती। हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहाँ से उसका हल बहुत आसानी से निकल आए। इसलिए जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू देखकर उसका आकलन करना चाहिए, कोई ना कोई आसान हल जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद।